देखिए कुछ ऐसी ही गहमा गहमी चलती है एक न्यूज रूम में, और जरा सोचिए नया घर जब बसता है तो वहां पर क्या क्या होता है। इतनी एक्साइटमेंट होती है कि पूछे ही नहीं, एक्साइटमेंट तो हम भी महसूस कर रहे हैं। विभा आपसे जानना चाहेंगी, सास बहू और साजिश भी हो गया है टोटली लिमिटलेस, तो क्या होगा अब सास बहू और साजिश में? लिमिटलेस तो खैर हम पहले से ही थे, और अब हम इनोवेशन को और इनोवेशन की जो सोचते हैं लोग की हदें हैं, इधर तक हो सकता है ये उधर तक हो सकता है, उसको भी तोड़ने वाले हैं। हम लोग एक नई दुनिया में लेके जाने वाले हैं दर्शकों को, और इनफैक्ट हम चाहते हैं कि दर्शक हमें बताएं कि हम कितना और लिमिटलेस हो सकते हैं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करेंगे और अगर दर्शक उसे नहीं देखेंगे तो थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, बट वही मज़ा है उसमें, आप गिरेंगे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सो वी वांट कि दर्शक जो हैं हमारे वो हमारे साथ जुड़े, हमें बताएं कि वो हमारे को किस तरह से लिमिटलेस देखना चाहते हैं। वो तो आपको देख चुके हैं अभी तक स्टोरीज के मामले में, और किस किस तरह से लिमिटलेस देखना चाहते हैं। और वैसे भी क्रिएटिव फील्ड में आप अगर हदें बांध दें तो आगे बढ़ने का स्कोप है नहीं, तो इसीलिए इन्हीं हदों को इन्हीं सीमाओं को पार करना है। ये हमारा पहले भी विजन रहा है, मिशन रहा है, और आगे भी चलता रहेगा। बस हर हद को पार करके आपका मनोरंजन हम करते रहेंगे। तो चलिए इसी बात पर रुक करते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है का देखें तो सही कि वहां पर क्या हो रहा है। विश्वास जीत गया, वो जानते थे कि एक न एक दिन कायरव अपनी माँ और बहन को जरूर समझेगा और उनके आने का स्वागत ऐसे ही करेगा। नायरा और अपनी बहन को जब कायरव ने देखा तो देखिए घर की चौखट पर कैसे आरती उतारने लग गया। अब ऐसा करते हुए कायरव ने अपने उदयपुर के घर में देखा है तो उसे याद था कि जब मम्मी और बहन घर आएंगे तो मैं भी ऐसे ही आरती उतारूंगा। तो अभी आप आरती उतारेंगे? यस पापा, उदयपुर इतना इमोशनल मोमेंट देखकर नायरा के आंख में पानी आ गया तो उधर रिधिमा भी कुछ सोच में पड़ गई। अब कायरव इतने दिनों बाद अपनी माँ से मिला है तो उसके पास बहुत कुछ है अपनी माँ को दिखाने के लिए, जो वो सिर्फ अपनी माँ को दिखाना चाहता है और किसी को नहीं, रिधिमा को भी नहीं। अब भी बच्चे को आप कितना भी प्यार कर लो लेकिन उसके लिए माँ तो माँ ही होती है ना। ये बात अब रिधिमा को भी समझ आ जाएगी, तभी तो वो अब चाहेगी कि कायरव और कार्तिक उसके ही रहे, किसी और के नहीं। यहीं से शुरू होगी अब असली जंग। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। देखिए सास बहू और साजिश और एबीपी न्यूज के सफर में आप लोगों ने हमारा साथ दिया सदैव, आपका प्यार है, आपका भरोसा है, जिसे हम कभी भी
ठेस नहीं पहुंचा सकते, और यही वजह है कि कुछ ना कुछ नया हम नॉनस्टॉप करते रहते हैं। और संजय जी यही जानना चाहेंगे, ये जो नया बदलाव आया है बी इन्फॉर्म्ड बी लिमिटलेस, ये आइडिया क्या था? नहीं देखिए, बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है, जो बदल नहीं रहा है मतलब ग्रो नहीं हो रहा है, और ग्रोथ नहीं हो रही है तो लाइफ नहीं है, दैट्स डेड थिंग। तो ग्रोथ के लिए, लाइफ के लिए, इन सब के लिए बदलाव जरूरी है। और लिमिटलेस का मतलब वही है कि आज की जो अस्पष्टता की स्थिति पूरी दुनिया में बनी हुई है, और खबरों और खबर क्या है, क्या सच है क्या झूठ है, और खबर का असर क्या है, मतलब क्या है, उसके लिए लोग तरसते रहते हैं। तो उसमें स्पष्टता लाने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए, और वो हदें पार करने के लिए, जिसके लिए कि जो मशहूर हमारी रिपोर्टिंग टीम है उसके लिए पूरी तरह से हम लोग तैयार है, तो दर्शकों के लिए बहुत नया अनुभव होने वाला है। नया अनुभव है उसके लिए हम बेकरार तो है, लेकिन फिलहाल चलिए आपको लिए चलते हैं शांतनु महेश्वरी के पास। जी हाँ, एक बड़ा ही नायाब, एक एक्सपेरिमेंट हद पार करने वाला हमने भी किया, वो मुंबई में थे, हम दिल्ली में थे, लेकिन उसके बावजूद आमने सामने बैठे थे, कैसे जरा देखिए एक नजर। होता है बिकॉज चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, और समय के साथ बदलते रहना चाहिए, और समय के साथ मनोरंजन का रूप भी बदलते रहता है। हॉट न्यूज की बात करते हैं, भाई सास बहू साजिश बिना हॉट न्यूज के पूरा हो नहीं सकता, मेरी तरफ से शायद ज्यादा हॉट न्यूज नहीं मिली होगी। देखिए बदलाव अच्छा होता है बिकॉज चेंज इज द ओनली कॉन्स्टेंट, और समय के साथ बदलते रहना चाहिए, और समय के साथ मनोरंजन का रूप भी बदलते रहता है, और यही वजह है कि सास बहू और साजिश इस बदलाव को एबीपी न्यूज के साथ लेकर आया है आपके पास एक अलग ही अंदाज में। और इस बदलाव में और इस नई उड़ान में जहां मनोरंजन की हर हद को हम पार कर जाएंगे, हमारे साथ है नन अदर देन शांतनु महेश्वरी। लाखों दिलों की धड़कने हैं जो शांतनु के डांस को देखकर, इनकी एक्टिंग को देखकर फिदा रहती हैं, और आज शांतनु बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ हमारी इस नई उड़ान में शामिल हुए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मतलब ये अलग ही उड़ान है आपकी, और ये अलग ही स्टाइल है जिस वे से हम कनेक्ट हो रहे हैं, सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। अच्छा, ये अलग इसलिए है, और मैं बता देती हूँ, शांतनु बात कर रहे हैं, लग ऐसा रहा है कि शांतनु और मैं आमने सामने बैठे हैं, लेकिन शांतनु मुंबई में है, हम अपने नोएडा स्टूडियोज में है, लेकिन टेक्नोलॉजी की हद पार करके लीजिए आमने सामने हम गुफ्तगु कर रहे हैं। Yes. और चेंज इज गुड, देखिए ना, एक चेंज ये भी है, एक तरफ हम बात कर रहे हैं ड्राइंग रूम में लोग बैठे होते थे मोबाइल फोन पे, अब यहाँ पर हम इतनी दूर दूर बैठे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है ड्राइंग रूम में ही हम बात कर रहे हैं, एंड लेट्स ट्राई एंड डू अ हाई फाइव, आई डोंट नो हाउ इट विल कम विजुअली, बट सिंस वी आर आमने सामने, वी आर डूइंग अ हाई फाइव, सो आई डोंट नो हाउ इट कम्स विजुअली। आई लेवल पे अंगूठा आना चाहिए, आई लेवल पे अंगूठा आना चाहिए, ओके, सो आई थिंक वी हैव काइंड ऑफ गॉट इट, सो सी दिस इज टेक्नोलॉजी एंड दिस इज चेंज, yeah, आई नो, सो दिस इज सो कूल, समय के साथ बदलते रहना, एंड ऑफकोर्स यू आर द हार्ट बीट ऑफ द यंग जेनरेशन, तो आपको कितना लगता है आप कितने बदले हैं इंडस्ट्री में जब से आए हैं, आपके लिए ये बदलाव कैसा रहा, लॉकडाउन फिर अनलॉक होना, लॉकडाउन तक पहुंचने वाला ये बदलाव? इतना अच्छा लगा कि आपने चेंज कर दिया क्वेश्चन, लॉकडाउन तक आपने जो बदलाव का क्वेश्चन पूछा वो बहुत बेटर है, बिकॉज उसके बाद तो अभी भी फिगर आउट ही कर रहे हैं कि ये क्या बदलाव चल रहा है और कैसे इसे कोप अप करें, बट अदरवाइज जर्नी हैज बीन ग्रेट, एंड मोर इम्पोर्टेंटली मतलब SBS तो हमेशा साथ में रहा है, स्टार्टिंग से रहा है, दे ऑल हैव सीन माई जर्नी एंड यू नो सपोर्ट किया है पूरे थ्रू आउट द जर्नी में, सो इट हैज़ बीन ग्रेट। जैसा कि आपने कहा कि चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट, अपने आप को कुछ ना कुछ अलग वे में कुछ ना कुछ सीखते रहना एंड ग्रो करते रहना, फ्रॉम बीइंग वेरी अंडर कॉन्फिडेंट टू एटलीस्ट गेनिंग लिटिल बिट कॉन्फिडेंस, सो आई थिंक वो जो है वो मेजर चेंज आया है, एंड मतलब बहुत लोग आपको नहीं बोलेंगे बट लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू योर टीम एज वेल, बिकॉज कैमरा इतने क्लोजली फेस करना एक चीज है, स्क्रिप्ट वाइज एंड एवरीथिंग इज फाइन, बट बीइंग योरसेल्फ एंड बीइंग एबल टू कनेक्ट विद ऑडियंस, जो होता है जो
जो आप लोगों के माध्यम से हम कर पाते हैं. आई थिंक लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू यू ऑल कि आप लोगों ने वो हेल्प किया टू मेक मी फील कंफर्टेबल सो दैट आई कैन बी माई सेल्फ इन द वे आई एम एंड प्रेजेंट माई सेल्फ टू द ऑडियंस टू द लार्ज ऑडियंस एंड व्यूअरशिप दैट यू गाइस हैव. हॉट न्यूज़ की बात करते हैं भाई. सास बहू साजिश बिना हॉट न्यूज़ के पूरा हो नहीं सकता. कुछ आपको ध्यान है कि आप सास बहू और साजिश के इस सफर में, हालांकि हमें 16 साल हो गए, पर इस सफर में हॉट न्यूज में कितनी बार शांतनु महेश्वरी फीचर हुए? नहीं, मुझे मेरी तरफ से शायद ज्यादा हॉट न्यूज नहीं मिली होगी. नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. हमने मतलब योर हॉट प्रॉपर्टी इफ आई मे से सो, मतलब ऑल द गर्ल्स कीप ऑन, मतलब शांतनु की हमें तो इतनी फैन मेल आती है, प्लीज शांतनु की स्टोरी, शांतनु की स्टोरी, सो आई कैन टेल यू अबाउट दैट. सो यू मेड इट मेड टू द हेडलाइंस क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम. मुझे आप बता दो नंबर कितने. मुझे तो नहीं पता है कितने नंबर है. नहीं चलिए, आपका नंबर हाई है, मैं पहले ही बता देती हूँ. अच्छा चलिए, इसे एक चीज बताइए, हमें तो 16 साल हो गए, आप एक दशक कंप्लीट करने वाले हैं टेलीविजन इंडस्ट्री में, एंड दैट्स नो स्मॉल टास्क. 10 साल का ये सफर देखते ही देखते कितना एक्साइटिंग रहा, कितना आसान रहा? एक्साइटिंग यस डेफिनेटली. बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि 10 साल तक सर्वाइव कर पाऊंगा इस इंडस्ट्री में. बहुत अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं, बट आई थिंक अप्स एंड डाउन्स इम्पॉर्टेंट भी है देखना टू बी हु आई एम टुडे. अदरवाइज फिर स्टैगनेंट चलता है लाइफ, सिर्फ अगर फेम ही फेम देखो या सिर्फ डिप्रेस्ड ही डिप्रेस्ड रहो, नॉट एग्जैक्टली डिप्रेस्ड शुड बी द राइट वर्ड, मतलब यू नो लो इज बेसिकली, नहीं कर रहे हो काम कुछ नहीं, तो इट बिकम्स मतलब मज़ा नहीं है उसमें बेसिकली. सो या इट्स फन. What I enjoyed and what I love about the fact that मैं अपने projects को balance कर पाया, be it dancing, be it acting, be it acting dancing. You reached America's Got Talent. साथ. Yeah, yeah, America's Got Talent as well. Yeah, yeah, yeah. विवाह में हम आई थी, मुझे अभी भी ध्यान है कि you know World of Dance के एक दिन पहले performance के, and उस दिन भी थी वो जिस दिन हम perform करने वाले थे. It was so nice to see her because you know कि कौन इंडिया से सिर्फ हमें कवर करने के लिए, you know bunch of boys, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा किसी, आधे जन को पता नहीं है, सिर्फ थोड़े मतलब ऑब्वियसली इन डांसर कम्युनिटी में लोगों को पता था कि हम जा रहे हैं रिप्रेजेंट करने. इट वॉज सो नाइस टू सी हर कि वो वहाँ तक फ्लाई डाउन करके आई एंड वो कवर कर रही थी वो सारी चीज़ें. सो या आई मीन इट वॉज अमेजिंग एन एक्सपीरियंस एंड आई एम सो हैप्पी दैट अगेन लाइक वो बोलते हैं ना SBS, आई सेड कि SBS इज, आई एम वेरी ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ SBS फैमिली बिकॉज ये जो चीज़ें करते हैं ना वो बहुत ही यू नो यादगार रहती है, एंड दैट्स Those are the things that makes you push yourself for your family. तो change के साथ ये बदलाव हो रहा है और हम connected हैं और technology का कमाल है, बदलाव का कमाल है कि इतनी दूर होके भी आज वाकई में शांतनु ऐसा लगा कि आपके सामने बैठकर, बिल्कुल आप मेरे सामने बैठे और मैं आपसे ढेर सारी बातें कर रही हूँ. As usual, it's such a pleasure having you over and God bless you is all I can say. And 20-30 के आप आधा 50 साल तक यूं ही बरकरार रहे. ये है ABP News. देखिए मुझे एक्साइटमेंट हम फील कर रहे हैं ना वो शब्दों में बताना मुश्किल है. जी हाँ, इसको महसूस करना है. अब एबीपी न्यूज ने और सास बहू और साजिश ने तय कर लिया है कि वी विल बी लिमिटलेस. तो जब लिमिट्स की बात हो रही है तो प्रतिमा, नमस्ते भारत में आप इनको देखती हैं. प्रतिमा, अगर संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी वो एक हद जो पर्सनली, और मैं न्यूज वाली बाइट नहीं चाहती, जो आप भी पार करना चाहती हैं. पता नहीं, मुझे क्या लगता है हर चीज़ एडवेंचरस ही, हम लोग जब न्यूज़ में होते हैं तो वी आर वेरी सीरियस. मुझे लगता है कि कुछ एडवेंचरस करने की ज़रूरत है ज़िंदगी में, तो मैं भी अब कुछ सोच रही हूँ, कुछ ऐसा करूँगी जिसमें सारी लिमिट्स क्रॉस हो जाए. आई डोंट नो, यस समथिंग लाइक दैट. सो वी नीड टू लुक फॉर दोज काइंड ऑफ लिमिट्स टू क्रॉस. और हर हाथ, जैसे मैंने कहा, आपके मनोरंजन के लिए सास बहू और साजिश पार करता आया है और करता रहेगा. लेकिन फिलहाल कुंडली भाग्य में क्या हो रहा है चलिए जानते हैं.
तारीफ तो करनी पड़ेगी प्रीता और करण के हनीमून वाले इस कमरे को देखकर। अब ये दोनों लव बर्ड्स हैं, ऐसा लग रहा होगा जिसने भी इस कमरे को सजाया होगा। अब कोई नहीं हनीमून के लिए आए हैं तो बहुत जल्द लव बर्ड्स भी बन जाएंगे। करण और प्रीता जब इस कमरे में आए तो थोड़े से ऑकवर्ड फील कर रहे थे, लेकिन फिर दोनों ने एक दूसरे का सामना किया। और तो और करण ने अपनी पत्नी प्रीता को इस नई ड्रेस को लेकर छेड़ भी दिया। आज आपको वो अब इस छेड़छाड़ का बदला प्रीता भी लेगी, ऐसा उसने कहा है। तो जरूर एक्साइटेड हो जाइए क्योंकि इस हनीमून पर बहुत कुछ आपको खास देखने मिलने वाला है। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। हो क्या रहा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, आइए आपको बताते हैं। इंसान से देखिए क्या क्या करवाता है। ये वही कोमल कली है जो कभी अपने लिए जिया करती थी, लेकिन आज पैसों के खातिर वो किसी की पत्नी और किसी की बहू भी बनने को तैयार हो गई है। इसके लिए पैसा ही सबसे बड़ा धर्म है और इस पैसे के लिए वो कुछ भी करेगी। बिल्कुल, प्रतिभा आंटी ने मुझे प्रॉमिस किया है कि मुझे 10 लाख रुपए मिलेंगे और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और कोमल कली बिलीव करती है कि लक्ष्मी जो है लक्ष्मी माता है एंड उन्होंने ही पैसे ने ही उसको पाला है। जब शराबी बाप ने उसे सड़क पर छोड़ दिया था तो लक्ष्मी माता ने ही उसे पाला है, तो उसको बस पैसे के सिवा और कुछ नहीं दिखता। तो वो बहुत खुश है कि उसको उसके ऊपर पैसों की बरसात हो रही है। अगर वेट ठीक हो जाएगा तो प्रतिभा देवी कोमल कली को 10 लाख रुपए देगी। फिर क्या, कोमल कली तो 10 लाख रुपए के सपने देख रही है, उसे बस लग रहा है कि वेद ठीक ही होने वाला है और उसे 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। जरा देखिए पैसों की बारिश कैसे हो रही है। कोमल कली को भी इसी चीज़ का इंतज़ार है कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि जैसे ही वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे तो ही कोमल कली को पैसे मिलेंगे। तो हाँ, थोड़े थोड़े वो ठीक हो रहे हैं और उनको लग रहा है उनकी विधि वापस आ गई है, लेकिन अभी उनको पता नहीं है कि ये विधि नहीं कोमल कली है। अब कोमल कली, आपको क्या लगा था किसी की बहू बनना किसी की पत्नी बनना इतना आसान है? नहीं है बाबा। भले ही आप पैसों के लालच में यहाँ आ गई हो, लेकिन अब आपको जाने यहाँ से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। और देखिए नई नई ये जो एक्साइटमेंट है आपको पहुंचाने के लिए, भाई द बेस्ट वे इज टू टॉक टू पीपल हु आर इन्वॉल्व। तो बस हमारे साथ आदर्श भी है, इनके सामने माशाल्लाह क्या हाइट है, मतलब मुझे लगता था मैं लंबी हूँ लेकिन आज तो गिट्ठी महसूस करती हूँ इनके सामने। लेकिन आदर्श, आपने हाइट की लिमिट तो क्रॉस कर रखी है जेनेटिकली, चैनल भी लिमिट्स क्रॉस करने वाला है खबरों के मामले में, और हम लोग उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और तैयारियां हमारे दर्शकों को दिखाई भी दे रही होंगी। बहुत जोर जोर से चल भी रही है, बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ अभी होना बाकी है और वो उतनी तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, और तेजी से
काम आगे लेते हुए जाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। इनको न्यूज देते हुए एक नए अंदाज में आप जरूर देखेंगे, लेकिन फिलहाल चलिए आपको लिए चलते हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार है किस तरफ। अगर एक पति अपनी नाराज पत्नी को मनाकर वापस कमरे में लेके जा रहा है तो इसमें आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? शायद पाखी दीदी को बुरा लग रहा है आपका और मेरा एक साथ कमरे में जाना। जब आपको अपने पति के बारे में सोचना चाहिए, परेशान होना चाहिए, जिनकी कोई खबर नहीं है इतने दिनों से, लेकिन आपकी नजर तो दूसरों के पति पर है। ये सही है बाबा, सही है, किसी को नहीं छोड़ती है। फिर इसके सामने चाहे काकू आ जाए, विराट आ जाए या फिर अब पाखी भी। तुम अपनी हद में रहो, तो इसमें आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मेरे बारे में तो बात कर रही है, और अगर आप मेरे बारे में बात करेंगी या मुझसे जुड़ी हुई किसी भी चीज के बारे में बात करेंगी तो मुझे तो जवाब देना पड़ेगा ना। अपनी बीवी से कहो कि चुप हो जाए। सब पर चलाएगी वो अपने तीखे शब्दों के बाण। आज रात सई के निशाने पर पाखी आ गई है। विराट सई से कुछ बातें करना चाह रहा था लेकिन बीच में पाखी आ गई, और जरा देखिए बीच में आने का उसे क्या जवाब मिला। विराट, तुम अपनी बीवी से कहो कि चुप हो जाए। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो किसी की बदतमीजी और बदजुबानी बर्दाश्त करेंगे। हाँ तो मत लीजिए ना, अपने कमरे में चली जाइए जहाँ मैं नहीं होंगी। और वैसे भी सब सो रहे, आपको क्यों नींद नहीं आ रही? अब पाखी तो वैसे ही उदास रहती है, उसके साथ जो हुआ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हर वक्त विराट के पास रहे। तो इसमें आपको इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन मेरे बारे में तो बात कर रही है, और अगर आप मेरे बारे में बात करेंगी या मुझसे जुड़ी हुई किसी भी चीज के बारे में बात करेंगी तो मुझे तो जवाब देना पड़ेगा ना। और उस पर पाखी और विराट के बारे में सई को जब सब कुछ पता हो, ऐसे में तो पाखी को विराट के पास बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सई ने जब दिल को चुभने वाली बात बोली पाखी को तो उसके आंख में आंसू आ गए, और यहाँ पर भी देखिए विराट ने कैसे सई का साथ दिया। अब पाखी यहाँ से नाराज होकर चली गई है, तो भी क्या विराट उसे मनाने जाएगा या फिर सई के पीछे अपने कमरे में जाएगा? ये देखने का इंतजार तो हमें भी रहेगा, क्योंकि अब तक हम देखते आ रहे हैं दोनों के बीच विराट फंसता जा रहा है, तो आगे इस सिचुएशन को वो कैसे हैंडल करेगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज। कुछ नया करते हैं ना तो एक एक्साइटमेंट रहती है, और जीवन में कुछ नया करने का इंतजार नहीं करना चाहिए, वो नई अपॉर्चुनिटीज कहीं ना कहीं वो नयापन हमें अपने जीवन में खुद लाना होगा। तो चलिए विकास के पास चलते हैं, बहुत संजीदगी से ये सारी खबरें आप तक पहुंचाते हैं, सुबह नमस्ते भारत में भी मिलते हैं। लेकिन विकास, अब यहां पर आपका थोड़ा सा हम नॉन सीरियस मूड जानना चाहते हैं, कौन सी वो एक लिमिट है जो आप हद पार करना चाहते हैं? नॉन सीरियस तो नहीं, लेकिन मैं सीरियस लिमिट बताता हूं आपको। देखिए हम लोग है ना ट्रेंड सेटर है देश में, हम जो करते हैं वो सारे न्यूज़ इंडस्ट्री करती है, सारे न्यूज़ चैनल्स करते हैं। इस बार हमारी लिमिट है इंटरनेशनल, हम जो करें वो इंटरनेशनल इंडस्ट्री करे, इंटरनेशनल चैनल्स करें, ये इस बार हमने लक्ष्य रखा हुआ है, और भगवान ने चाहा तो इस बार ये लक्ष्य हासिल करेंगे। और बिल्कुल, और क्यों नहीं, भारत जो है वो वाकई एक नए आयाम जो है वो सेट कर रहा है, नए बेंचमार्क सेट कर रहा है, और कहीं ना कहीं अब वक्त आ गया है कि विश्व भर में भारत के इस जज्बे को पहचाना जाए, सलाम करा जाए। तो चलिए आगे बढ़ने के लिए तैयारी कीजिए, फिलहाल गुड्डन की तरफ रुक कीजिए।
अंधे में गुड्डन को देखकर आसमान भी सोच रहा है कि क्यों ना एक गुड्डन को थोड़ा सा भिगा दिया जाए। ये नजारा है मुंबई के फिल्म सिटी का, जहां पर शूटिंग हो रही है एक गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा। अब सीन भी देखिए कितना दिलचस्प है। एक गुड्डन की माँ को दुश्मनों ने गड्ढे में डाल दिया है। सीन तो बहुत ही सीरियस है, लेकिन आप देख रहे होंगे यहाँ पर सीरियस तो कोई नहीं है। इस सब का मन है मस्ती करने का, फोटो खिंचवाने का। अब वो क्या है ना, अचानक से मुंबई में मौसम बदल गया। दिसंबर के महीने में बरसात शुरू हो गई तो माहौल मजेदार वैसे ही हो गया। छोटी गुड्डन को जैसे ही पता चला कि उसकी माँ की जान खतरे में है, उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी माँ को बचाने की ठान ली। और देखिए हर मुमकिन कोशिश उसने पूरी भी की। लेकिन ये क्या, ये छोटी गुड्डन के पति अगस्त्या बाबू को पुलिस क्यों पकड़ कर लेकर जा रही है? अब भी बेटा है तो अपने माँ की सारी गलतियाँ खुद ही ले लेगा, अपनी माँ पर वो आँच नहीं आने देगा। तो भाई अब ऐसा तो नहीं कि अगस्त्या की माँ वर्सेस गुड्डन की माँ चल रहा है? तो भाई अब एक गुड्डन की माँ और अगस्त्या की माँ, इन दोनों के बीच की बात है। तो अब देखते हैं कि आगे और कौन सी हद पार करेंगे ये दोनों। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़।